हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मेरे पास आप सबके लिए काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। बाकी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आपके लिए डेली बेसिस पे ऐसी न्यूज वगैरह लाता रहूं। फिर यार, सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान में इंटरनेट शटडाउन के रिलेटेड। तो रिसेंटली कुछ ऐसी न्यूज वगैरह निकल के सामने आ रही है, जिसके मुताबिक जब पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे तो उस दौरान इलेक्शन से दो दिन पहले और इलेक्शन के दो दिन बाद तक, यानी कि तकरीबन पांच दिन, पाकिस्तान में इंटरनेट जो है वो बंद रहेगा और यार किसी भी ऐप की जो सर्विस है वो अवेलेबल नहीं होगी। ऐसी सारी न्यूज वगैरह निकल के सामने आ रही हैं। तो अब इंटरनेट बंद होगा नहीं, ये तो इलेक्शन के टाइम पर ही पता चलेगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और यार इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो हमजा भट्टी के रिलेटेड है। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को इंडियन फिल्म फाइटर के रिलेटेड बताया था, जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट बनी हुई और उसमें प्रोपेगेंडा वगैरह वाला सारा सीन है। तो अब उसी के ऊपर रिसेंटली हमजा भट्टी ने भी रिएक्ट किया है और वो इस सारे सीन के रिलेटेड कुछ ये कहते हैं। अभी अभी कुछ टाइम है ना, आप पाकिस्तानी इसका इस मूवी के ऊपर रिएक्शन देखिएगा और अब रिएक्शन आएगा, व्हाट ए मूवी, ऋतिक रोशन तो मेरे अब्बू हैं। अब मेरा मसला जो है ना वो इंडिया से नहीं है, मेरा मसला उनके पॉलिटिशियंस और उनकी मीडिया इंडस्ट्री से, जो कि कॉन्टिन्यूसली अपने लोगों को प्रोपेगेंडा फीड करते रहते हैं कि पाकिस्तान को मारेंगे तभी इंडिया महान होगा। सही है। और अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तानियों को वो गधों की तरह, मतलब गधा समझते हैं, ठीक, कुत्ता समझते हैं, लेकिन 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 एट द एंड ऑफ द डे हमारे लोग जो है ना वो कहेंगे नहीं नहीं भाई, इंडियन मूवी तो पाकिस्तान में लगेगी, बॉलीवुड तो जो है ना वो इज एवरी thing. तो भाई आई कांट बी बॉदर्ड बाय दीस थिंग्स एनीमोर मैं। तो आपको लगता है ऐसा होता है या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बकाया इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो और पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को असद और निमरा व्लॉग्स के रिलेटेड भी बताया था कि उन्होंने जो फैमिली व्लॉगिंग वगैरह है वो अवॉइड कर दी है। और यार इसी सारे सीन के रिलेटेड हसन बेग जो है वो काफी टाइम से आवाज उठा रहे हैं। तो असद और निमरा ने जो डेली व्लॉगिंग वगैरह वाला सारा सीन छोड़ा है, इसी के ऊपर हसन बेग रिएक्ट करते हैं और वो कहते हैं, हक की आवाज दिल तक जाती है, गुड डिसीजन भाई, आई जनरली डोंट शेयर पोस्ट लाइक दिस बट आई वांटेड टू मेक इट क्लियर दैट जब आप हक पर होगे आपको हुजूम की नहीं सच्चाई की जरूरत होती है। तो आप लोगों को असद और निमरा का डिसीजन कैसा लगा था आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो चाइना से एक भिखारी की वीडियो काफी ज्यादा वायरल चल रही है, जो कि चाइना में जाके पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। क्योंकि एक ऐसी वीडियो वायरल चल रही है जिसमें कोई शख्स जो है वो भीख वगैरह मांग रहा होता है और वो कह रहा होता है कि पाकिस्तान में जो है वो सैलाब आ चुका है, जिस वजह से मेरे घर वगैरह जो है वो सारा का सारा जाया हो चुका है और अब मुझे आप सबसे मदद की जरूरत है। तो अब ऐसे लोगों को क्या ही कहा जाए। बाकी इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो राणा हमजा सैफ के रिलेटेड है। तो रिसेंटली कुछ दिनों पहले राणा हमजा सैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड की है, जिसमें वो एक ऐसा क्लिप वगैरह रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जिसके पीछे कुछ अलग ही सीन चल रहा होता है और एक कपिल जो है वो अपनी में लगा हुआ होता है। और यार मैं भी, राणा हमजा सैफ ने भी ये चीज नोटिस नहीं की है और उन्होंने व्लॉग अपलोड कर दिया है। तो वो क्या हो रहा होता है क्या नहीं वो तो आप लोग स्क्रीन पे चल ही रहा होगा, लेकिन होपफुली अगर राणा हमजा सैफ ने नोटिस नहीं किया होगा तो इस वीडियो के बाद उनको भी पता चल जाएगा। बगैर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो यार हमारी जो अगली न्यूज है वो जलमी के रिलेटेड है। तो बहुत से लोग जो है वो जलमी को अक्सर कह रहे होते हैं कि आप जो है वो कोई नई कार वगैरह क्यों नहीं खरीद लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं वो तो नई नई गाड़ियां खरीद रहे होते हैं और जो ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो वो तो अपनी इनकम भी इतनी ज्यादा बता दे, तो आपकी भी उतनी इनकम होगी तो आपको भी नई गाड़ी वगैरह ले लेनी चाहिए। तो उसी के ऊपर रिसेंटली जलमी ने रिप्लाई दिया है और वो कहते हैं कि वो यूट्यूबर्स वगैरह जो है वो डेली ब्लॉगिंग करते हैं और उनके व्यूज जो है वो इनसे काफी ज्यादा जाते हैं और ये जो है वो क्वालिटी पे फोकस नहीं करते और जलमी जो है वो क्वालिटी पे फोकस करते हैं, जबकि दूसरे क्रिएटर जो है वो क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। तो जलमी क्या कहते हैं आप लोग खुद देख लें। जलमी भाई, आप अपनी गाड़ी क्यों नहीं चेंज करते, ये सवाल मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आज सोचा इसका जवाब दे देता हूँ। देखिए मैं आप लोग एक चीज बताता हूँ, अगर एक बंदा महीने के 25 व्लॉग डालता है या 20 व्लॉग डालता है उसका रेवेन्यू अलग होगा। मेरे व्यूज नॉर्मल व्लॉग से ज्यादा आते हैं, नॉर्मल डेली व्लॉगर से मेरे ज्यादा व्यूज आते हैं, पर उसका ये मतलब नहीं है गाइस मेरे टोटल 3 व्लॉग आते हैं। अगर 3-3 मिलियन भी है तो 9 मिलियन हो गए, और अगर किसी बंदे ने 25 व्लॉग डाले 1.5-1.5 मिलियन वाले भी, उसके कोई 30-35 मिलियन व्यूज 40 मिलियन व्यूज हो गए, तो पैसे डेली व्लॉगर्स ही कमा रहे हैं, हमारे हाथ में पैसे नहीं आ रहे। आप खुद सोचें, जो जो लोग यूट्यूब को जानते हैं उनको पता होगा कि मिस्टर बीस वाली वीडियो पर जितना पैसा लगा है मिस्टर बीस वाली वीडियो अगले 10 सालों में भी वो कमा के मुझे नहीं दे सकती, जिस तरह के कैमराज, प्रोडक्शन, ड्रोन टूट गया, सारी चीजें। तो देखिए गाड़ी लेना हर लड़के की ख्वाहिश होती है, मेरी भी है, पर यार देखिए समटाइम आपको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं चीजों के लिए। और दूसरी चीज ये है कि मैं क्वालिटी पे फोकस कर रहा होता हूँ तो उसके लिए मेरा खर्चा ज्यादा हो जाता है। तो आपको किनका कंटेंट बेहतर लगता है, जलमी का या पाकिस्तान के ब्लॉगर्स का, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपके हिसाब से कौन बेहतर है ये भी कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें। बगैर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो इसराइल और फलस्तीन वाला जो सारा सीन चल रहा है वो तो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। और यार मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि मियां खलीफा जो है वो फलस्तीन को सपोर्ट कर रही है। तो रिसेंटली मियां खलीफा ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें कोई इसराइली औरत जो है वो उनको रोड पर मिलती है और वो मियां खलीफा से आर्ग्यूमेंट वगैरह करने लग जाती है, जिसके बाद मियां खलीफा जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मियां खलीफा जो है वो इसराइली औरत को खरी खरी सुना देती है और वो कहती है कि मुझसे दूर हटो, तुम्हारी तो सासों से भी बदबू आ रही है। तो मियां खलीफा क्या कहती है आप लोग खुद देख लें। You proud of your mom? I'm Israel Chai. You see that?
You waiting for the bus? Because I'm waiting for my valet. She got real quiet now. I'm Israel Khan. Get away from me. Your breath smells awful. Israel, oh my God. You smell like knockoff falafel. तो शख्स के साथ भी हो, लेकिन मियां खलीफा को इस चीज के लिए अप्रिशिएट करना तो बनता है। बाकी इसके अलावा मजीद आगे बने तो हमारी जो अगली न्यूज है वो एक पाकिस्तानी टिकटॉकर ईशा हुसैन राजपूत के रिलेटेड है। तो रिसेंटली ईशा ने एक वीडियो शेयर की जिसमें वो कुछ लीक्स वीडियोस वगैरह के रिलेटेड बात करती है और वो कहती है कि अगर इनकी सोशल मीडिया पे कोई ऐसी लीक वीडियो वगैरह आ गई तो वो उनकी तरफ से वायरल नहीं की गई होगी। और यार उनका उनके शोहर के साथ खुला हुआ है तो वो बंद अल्फाजों में यही कहना चाह रही होती है कि अगर उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे कोई वायरल हुई तो उसे उनके हस्बैंड ने किया होगा, यानी कि मे भी उनकी वीडियोस वगैरह जो है वो ऐसी कोई सोशल मीडिया पर आ सकती है। तो वो उसके रिलेटेड क्या बात करती है आप लोग खुद देख लें। और दूसरी चीज मैं ये बता दूं कि मेरी अगर कोई ऐसी प्राइवेट वीडियो लीक होगी या कोई प्राइवेट वीडियो ऐसे टिकटॉक पे अगर कोई पोस्ट होगी तो भाई अपने अपने फोन पे इंसान अपनी चीजें तो बना के सेव करता है ना, और अपनी चीज एक अपने शौहर को देता है। मेरे फोन का पासवर्ड मेरे हस्बैंड के पास होता, उसके अलावा किसी के पास नहीं था। तो अगर ऐसी कोई चीज लीक होगी तो मैंने जानबूझ के किसी को नहीं भेजी होगी, मेरे फोन से अगर वो निकली होगी तो निकली होगी। और अगर ऐसी कोई चीज उल्टी सीधी पोस्ट होती भी है, अगर मेरी कोई वायरल लीक होती भी है तो वो मेरी अपनी पर्सनल वीडियो होगी, वो किसी के साथ नहीं होगी, अल्लाह माफ करे। और अगर पोस्ट भी होगी तो वो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा वो किसने डाली है वो किसने नहीं डाली है। खैर फिलहाल तो अभी तो इस तरह की वीडियोस चल रही हैं जो मैंने ऑलरेडी डाली हुई हैं फिलहाल, लेकिन अगर आगे जाके ऐसी कोई वीडियो पोस्ट होती है तो फिर मैं कोई एक्शन लेती हूँ। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मैं पोस्ट नहीं कर रही हूँ चीजें, अभी अपने टिकटॉक पर मैं फिलहाल कुछ पोस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं अपने इंस्टा पर भी कोई अपडेट नहीं दे रही। तो होपफुली जैसा ईशा कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बाकी इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो मुबीनुल हक के रिलेटेड है। रिसेंटली मुबीनुल हक की मंसूर कुरैशी के साथ एक पॉडकास्ट आई है जिसमें वो रिवील करते हैं कि जैसे वो पहले कॉमेडी स्किट्स वगैरह बनाया करते थे अब वो लोग क्यों नहीं बनाते। तो वो उसके रिलेटेड क्या बात वगैरह कर रहे होते हैं उनकी पॉडकास्ट का छोटा सा पार्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्या सीन है, क्यों नहीं स्केचेस बना रहे हम तीनों? मैं अपने जवाब अलग नहीं बना रहे हम लोग यार, स्केचेस का अब दौर नहीं है, साफ बात है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि लोगों के पास अब जो कॉन्टेंट कंजम्पशन है ना वो डेली की 2-3 घंटे की है, उसमें हम एक स्किट बनाते हैं, एक स्किट पर लगता है टाइम एफर्ट, तो एक स्क्रिप्ट बनती है हमारी। अगर बहुत ज्यादा तेजी से भी करें तो हम 4-5 दिन लग जाते हैं हमको। अच्छा मैं सॉरी, अगर हम महीने में भी बनाए तो ज्यादा से ज्यादा हम 3-6 बना लेंगे स्क्रिप्ट। सही है, मतलब लोगों को तो कंजम्पशन चाहिए ना कंटेंट की, उसके बाद वो 6 के बाद और क्या देखेंगे। अगर पूरी पॉडकास्ट देखनी हो तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बगैर आपको क्या लगता है कि वैलिड रीजन है या नहीं कमेंट बॉक्स में लाजमी बताओ। बगैर अभी के लिए मेरे पास आप सबके लिए सिर्फ इतनी न्यूज थी, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।